प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 29/11/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है हम बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनाने वाले खुदा, खुदा दोस्त। तो उनका पहला दोस्त ब्रह्मा बाबा, तो खुदा दोस्त मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे। बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, अर्थात एक ऐसा नया राज्य और नए राज्य के नए दैवी समाज की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। शौक होगा तो सेवा करेंगे ना, शौक नहीं तो सेवा नहीं करेंगे। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं, मेहनत करते हैं भूलने की पर भूल नहीं पाते, उसका कारण क्या है? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। जिसका कर्म बंधन कड़ा होता है ना, तो क्या होता है कि नई दुनिया में उनका बुद्धि योग लगाना चाहते तो भी नहीं लगता, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया के तरफ भागती रहती है। तो फिर कहा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात इनके कर्म ही खोटे हैं। प्रश्न है दूसरा, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर नहीं रह सकते। स्वाद माना रस, आत्मा को कौन सा रस बैठे तो हम सर्विस के बिगर न रह सके। उत्तर है, रहम दिल बनने का स्वाद। तरस पड़े दुखी आत्माओं पर, अशांत आत्माओं पर, विकारों से सताई हुई अपवित्र आत्माओं पर, तो बाबा कहते रस रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आ गया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। धारणा के लिए मुख्य सार, आप समान बनाने की सेवा करनी है, कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। नंबर दो है, बाप हमें चल और अचल, हाँ संपत्तियां होती है ना दो प्रकार की, तो बाप हमें चल और अचल, चल है मुक्ति, अचल है जीवन मुक्ति, तो प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, तो इस ही खुशी और नशे में रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वो किया, जो मन में आया वो करते चले गए, मस्त रहे। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदाकाल की प्रसन्न चित्त स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया, बस फिर सोचे हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। सदाकाल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ क
कर्मों की गुह्य गति के भी ज्ञाता बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।